खबर धमतरी मगरलोड से। पार्षद उपचुनाव को लेकर कांग्रेस भाजपा ने चुनाव प्रचार के अंतिम चरणों में एड़ी चोटी की जोर लगाई। छत्तीसगढ़ में नगरीय चुनाव में महज 2 दिन शेष है, ऐसे में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। धमतरी जिले के मगरलोड में पार्षद पद में जीत हासिल करने गुरु घासीदास को मत्था टेक कांग्रेस सहित भाजपा अपने पक्ष में वोट मांगते नजर आ रहे। इस कड़ी में आज भाजपा ने वार्डों में पहुंचकर मतदाताओं से बात कर भाजपा को वोट देकर पार्षद बनाने की अपील की। चुनाव में कांग्रेस अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए मैदान में है। इस चुनावी सरगर्मी में भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टी चुनावी रैली के दौरान तीखी बहस करते नजर आ रही है। हम लोग जीत के प्रति एकदम आश्वस्त हैं। इस पार्षद चुनाव में कुशियावा विधानसभा क्षेत्र में एक ही पार्षद खाली हुआ था, उनकी मृत्यु हो गई है, तो इस चुनाव में हम लोग 100% जीत के प्रति आश्वस्त हैं, क्योंकि एक ही वार्ड है। हमारे सारे कार्यकर्ता आए हैं प्रचार करने के लिए, एकजुट कार्य कर रहे हैं और एकजुटता में ताकत होती है, तो निश्चित तौर से सुरेश भैया को विजय मिलेगी। क्या है वार्ड क्रमांक 11 मगरलोड नगर पंचायत में चुनाव है और हमारा जो प्रत्याशी है देवराज देवांगन जी वो हमारे प्रत्याशी है। निश्चित रूप से जिस ढंग से वार्ड का ध्यान मिल रहा है हम ये वार्ड का चुनाव जीत रहे हैं। इसकी सरकार में कोई भी विकास कार्य नहीं हो रहा, इस नगर पंचायत को छोड़ दो पूरा प्रदेश में एक भी विकास कार्य देखने को नहीं मिल रहा, और ये जो सरकार है भूपेश बघेल की सरकार पूरी तरह से निकम्मी सरकार है और आज आम जनता इनसे पूरी तरह से दूषित है। इनके घोषणा पत्र में जो 26 प्रकार की घोषणा हुए थे वो कोई भी घोषणा इन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया। कि भूपेश बघेल की सरकार ने तो 3 साल में कोई काम नहीं किया, कोई विकास कार्य नहीं किया। उनके जो वादा थे नगरीय निकाय चुनाव में भी वो विभिन्न प्रकार के वादा किए थे, किसी भी प्रकार का वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। खबर भारतवर्ष के लिए धमतरी मगरलोड छत्तीसगढ़ से नीलाभ शुक्ला की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।